Hey guys, welcome back to a new vlog. और आज हम हैं रांची में और आप लोगों को जैसे पता है हमेशा फ्लाइट पकड़ने के लिए हम रांची आते हैं और आज हम जा रहे हैं हैदराबाद। तो मेरा डिपार्चर टाइम है 10:55 जो कि अराउंड 11 o'clock हुआ और मेरा बोर्डिंग पास है 10:10 में। तो यहाँ से मेरे को 9 बजे निकलना होगा। अभी आधा घंटा में निकल जाएंगे और हम हैं रांची में। सीन काफ़ी अच्छा और ये है रांची का कुकर। शायद मेरा एक PIT वाला दोस्त उज्जवल यहाँ रहता है, कॉल रिसीव नहीं कर रहा, ब्लॉक मार रहा है। जस्ट किडिंग गाइस। तो गाइस अभी निकलने वाले हैं, कैब बुक कर दिए हम, ज़्यादा नहीं 20 रुपये का डिफरेंस था। हम अपना ये ले लिए हैं, क्या कहते हैं, ID कार्ड। तो गाइस मेरा कैब ये है। सो फ्रेंड्स हम पहुंच गए एयरपोर्ट और हमेशा दो कार्ड हमेशा साथ में लेते आइएगा। पहला आधार कार्ड, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट ID। जैसा पहला चेक इन होता है ना तो ई टिकट होता है जो कि मेरा फ़ोन में है, ये उनको शो करना पड़ता है और साथ में आधार कार्ड भी शो करना पड़ता है ताकि मेरा फेस रिकॉग्नाइज करें। तो गाइस पहले चेक इन करते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को कैसे किया जाता है। गाइस मेरा आधार कार्ड ये है और यहाँ चेक इन होने वाला है, रुक के। सो फ्रेंड्स मेरा चेक इन हो गया है। तो गाइस मेरे पास लगेज नहीं है, ठीक है, अगर लगेज रहता तो यहाँ पे लाइन में खड़ा होना पड़ता, बट मेरे पास लगेज है नहीं। तो अभी जा कर के हम बोर्डिंग पास लेते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे लिया जाता है बोर्डिंग पास। यहाँ पे अपना ई टिकट दिखाएंगे और बोर्डिंग पास ले लेंगे। थैंक यू मैम। तो गाइस हम बोर्डिंग पास ले लिए हैं अपना स्टूडेंट ID से। तो गाइस अभी चलते हैं सिक्योरिटी चेक इन करने। वहाँ पर मेरा जितना इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हो जिसमें मेटल हो वो सबको एक साइड किया जाता है, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं कैसे क्या करते हैं। और इसमें अपना फ़ोन को भी साइड में रख लेना है, अपना बैग जिसमें प्लास्टिक वाला सामान हो कुछ भी प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक्स और मेटल वाला गैजेट होना चाहिए और वहाँ पर जा करके सिक्योरिटी मेरा चेक इन होगा और अपना फ़ोन को भी यहीं रखना। तो गाइस हम अपना प्रोडक्ट रिसीव कर लिए हैं यहाँ से और अपना बैग में हम डालेंगे। मेरा गेट नंबर 6 है जो कि ऊपर में है और ये गेट नंबर 1-2 और मेरा भी चेकिंग कुछ इस तरह हुआ था, सिक्योरिटी चेकिंग। तो गाइस हम ऊपर आ चुके हैं और मेरा गेट नंबर 6 है और बोर्डिंग जोन 2 है। तो गेट नंबर 6 मेरा इधर है, यहाँ लिखा हुआ है इधर से गेट नंबर 6। बट हम थोड़ा कंफर्टेबल रहना चाहते हैं इसलिए हम अपना उधर जा रहे हैं, वहाँ थोड़ा बैठे रहेंगे अच्छा से और जब टाइम होगा अनाउंसमेंट हो जाएगा तो उसमें निकल जाएंगे और कुछ कुछ मेन इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देते हैं बैठ के थोड़ा। तो फ्रेंड्स अभी हम पूरा फ्री हो गए हैं, एकदम मस्त बैठ गए, अपना सामान भी यहाँ रख लिया और बोर्डिंग पास भी मेरे पास है। तो आप लोग को एक चीज़ बता देते हैं, कभी भी आप लोग ट्रैवल करेंगे ना ये बोर्डिंग पास हमेशा ले लीजिएगा, ई टिकट के भरोसा मत रहिएगा क्योंकि कभी कभी गेट चेंज हो जाता है। गेट 6 है यहाँ पे, बोर्डिंग जोन 2 है, आपका सीट 15A है, ठीक है। तो मेरे साथ क्या हुआ था,
कि जो गेट है ना हैदराबाद में बहुत ज़्यादा गेट है, 17-18 तक जाता है, तो प्लेन टेक ऑफ या लैंडिंग करने में चेंज कर देता है कभी कभी, तो वहाँ पे ई टिकट में अलग देता है जैसे मेरा इसमें दिया हुआ है, और बोर्डिंग जोन में अलग दे देता है, बोल देता है आपका बोर्डिंग जोन 3 है या फिर या आपका गेट नंबर 16 है, या शिफ्ट कर देता है, तो उसमें से प्रॉब्लम होता है। और पिछले बार मेरे साथ ये दिक्कत हो गया था कि मेरा अभी सीट नंबर 15 है, पिछले वाला टाइम मैं क्या कर दिया था, मेरे को आगे दे दिया था, जैसे मैं एंट्री हो रहे थे मेरे को बोला सर 15 बुक्ड है, आपको 17 दिया गया, मेरा विंडो ही था तो मेरे को विंडो ही दिया लेकिन हल्का आगे दिया, तो उतना कुछ है लोचा नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम करेगा वो लोग इसमें लिख देगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो भी प्लेन में फर्स्ट टाइम ट्रैवल करता है वो लोग को हमेशा सजेशन देते हैं 2 घंटा पहले आ जाइए आप लोग, हमेशा 2 घंटा, कुछ भी प्रॉब्लम का, बहुत सारा प्लेन है जैसे अलास्का है, एयर इंडिया है, इंडिगो है, विस्तारा है, आप वो लोग के एयर होस्टेस से संपर्क करें और वो लोग आपको अच्छा से ट्रीटमेंट देगा, मतलब अच्छा से बताया कि यहाँ ऐसे ऐसे करना है, आपका लगेज यहाँ पे है। और एक बात है, अगर आप हमेशा लेट पहुँचेंगे ना तो आपका लगेज जो है ट्रॉली है वो कभी कभी प्लेन के अंदर नहीं घुस पाएगा, इसलिए हमेशा बोर्डिंग पास 1 घंटा पहले करता है ताकि जितना भी लगेज सब वो प्लेन में शिफ्ट कर दे। अगर आप टेक ऑफ होने से पहले आप पहले पहुँचेंगे तो आपका लगेज को अंदर कैसे करेगा, सारा डिक्की उक्की तो बंद हो जाएगा, तो उस केस में आप ये लोग से रिक्वेस्ट करके बोल सकते हैं कि हम अपना लगेज अपने साथ लेके चलेंगे, लेकिन उसमें कुछ हार्मफुल चीज़ नहीं होना चाहिए जैसे कि नेल कटर एंड ऑल, समझ रहे हैं ना, हल्का वो चीज़ साथ में लेके जाना मैं मना करता ये लोग, जो कि सेफ़ है हम लोग के लिए खासकर। तो चलते हैं सीधा हैदराबाद, और मेन दिक्कत यह है प्लेन हैदराबाद का एयरपोर्ट में कि वहाँ पे ऑटो वहाँ नहीं मिलता, वहाँ सिर्फ ऊबर मिलता, ऊबर ओला, वो लोग उस स्पॉन्सर वही करता है, तो ऊबर से ही जाएंगे, वहाँ का बुक करने का टिकट, वहाँ का बुकिंग करने का स्टाइल थोड़ा अलग है, तो आपको वो बताएंगे। गाइस ये मेरा बैग है और ये चार्जर स्लॉट, ये चार्ज कर ले रहे अपना फ़ोन। सो फ्रेंड्स थोड़ा देर पहले क्या बता रहा था, मेरा गेट नंबर 6 है, लेकिन अभी अनाउंसमेंट कर दिया कि गेट नंबर 6 नहीं होगा आपका, गेट नंबर 1 होगा, सीधा सब लोग शिफ्ट होकर के नीचे आ रहे हैं, वही दिक्कत है गाइस, हमेशा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कि कौन है, किधर शिफ्ट होना, किधर जाना है। वेट करते हैं और गेट नंबर 1 है ग्राउंड फ्लोर में उस जगह, और ये लोग जितना पैसेंजर है ये लोग 1 to 12 है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। थैंक यू सर। दूसरा बस आएगा, ये सब इको फ्रेंडली है, इलेक्ट्रिक बस, इसमें अभी चढ़ेंगे। हम लोग खड़े खड़े चलेंगे क्योंकि बैठने वाला जगह सिर्फ हैंडीकैप लोग के लिए। और ये अपना एयर होस्टेस है, कोई भी डाउट होता है ये लोग से पूछे आप। सो गाइस मेरा 15 है जो कि विंडो है, ये मतलब विंडो है यहाँ पे, अपना सीट में बैठ चुके हैं और लगेज हम अपना ऊपर रख दिए हैं। तो गाइस इसमें खाली एक ही सीट बेल्ट होता है, ऐसे करके सीधा डालिए और ऐसे करके खोलिएगा।
5 minutes later. गाइस कुछ ऑर्डर किए नहीं, मेरे को भूख वूख लगा नहीं। और अगर आप फ्लाइट बुकिंग के टाइम कुछ ऑर्डर किए हैं तो उसमें आपका पैसा कट जाएगा ऑनलाइन में, और आपको यहाँ फूड या सैंडविच कुछ भी डिलीवरी हो जाएगा। और अगर आपको इंस्टेंट चाहिए तो डेबिट कार्ड अलाउ है, डेबिट कार्ड या फिर कैश। तो हम तो कुछ खा नहीं रहे, बस नींद आ रहा बहुत जोर का, और बैटरी भी नहीं है तो अभी सोने वाला है। बाय। Keeping you nameless, I was down bad for you from the jump. Thought you were the one. Now I gotta regain my trust. Matter of fact, I don't trust no one. Left me in the dust. Got me out of touch with emotions. Too numb to feel the pain. Too numb to feel a thing. You watch me bleed. I hope you leave and don't come back, 'cause I'm good. गाइस मेरा लगेज तो नहीं है, बट जिसका भी लगेज सब है वो बेल्ट नंबर 2 में रहेगा। तो अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न रहेगा तो
कोई भी पैसेंजर से आप पूछ सकते हैं कि हम लोग का लगेज कहाँ पर है और कौन सा बेल्ट नंबर है। अपने यहाँ बहुत सारा बेल्ट नंबर है, 17-18 तक है, तो आप लोग को वो भी दिखा देंगे किस जगह बेल्ट नंबर है, लगेज किस जगह ड्रॉप हो। तो चलते हैं गाइस। तो इसी चीज़ का बात कर रहे थे, अगर हम लोग गेट नंबर 6 में चढ़ते तो हम लोग को टनल मिलता इस तरह, बट हम लोग को 1 नंबर गेट मिला जो कि हम लोग को बस से लेके गया। और जो लोग पेशेंट लोग हैं या फिर जिनका उम्र ज़्यादा है वो लोग को ऐसे व्हीलचेयर में लेके गए हम। और यहाँ पे लिखा हुआ है बेल्ट रिक्लेम, आगे चाहिए और एग्ज़िट के लिए भी आगे। गाइस बहुत चलना पड़ रहा है, इतना चले ना हम अभी तक फुटबॉल ग्राउंड को उतना दूर चले, 105 मीटर का फुटबॉल ग्राउंड रहता है। तो गाइस जैसे आप लोगों को पता चल गया हम उतरने वाले हैं अभी। बैग रिक्लेम 1 यहाँ है, 2 यहाँ है और 4-7 उधर है। अभी जाएंगे फ़ोन चार्ज कर लेंगे। और बैग रिक्लेम ऐसा होता है, इस जगह आपका बैग ऐसे आ जाएगा अपने आप। ये बेल्ट नंबर 2 है, अब बैग इसमें आ जाता है अपने आप। चलते हैं गाइस, हम लोग एग्ज़िट की तरफ चलेंगे। और बैग का कुछ भी डैमेज होगा आप कंप्लेन कर सकते हैं, जैसे आपका हैंडल टूट गया कुछ भी हो, क्योंकि वो बैग इस तरह आता है गिर के। तो आप वहाँ जा कर के बोल दीजिएगा मेरा टूट गया है, जो भी ऐसा ऐसा स्क्रैच स्क्रैच कुछ भी, तो आपको वो लोग डिस्काउंट देंगे। तो गाइस एग्जिट साइड इस साइड है, यहाँ लिखा हुआ है और हमारे पायलट सब। तो गाइस एग्जिट कर रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं सीधा। नीचे से हम लोग का उबर बुक होगा, तो यहाँ नीचे में जाएंगे बुक करेंगे उबर, इसके बाद अपना डेस्टिनेशन जाएंगे। तो गाइस हम लोग का पार्किंग जोन है यहाँ और हम लोग उबर वहाँ से बुक करेंगे इस जगह। फिलहाल मेरा फ़ोन तो पूरा डेड है, सोच रहा कहाँ चार्ज करेंगे। तो इन सर्च ऑफ वीडियो वी लॉस द बैटरी, चीन टपाक डम डम, कहाँ जाएंगे भाई। तो गाइस पानी वानी पी ले थोड़ा। ये बंदा कर रहा है 947986 है ना, टेक द फर्स्ट वन। ओके तो गाइस चलते हैं आगे, बोला गया आगे से लेने के लिए। और ये हम लोग का बुक कर दिया है और अपन लोग आगे से पिन बता करके गाड़ी में बैठ के निकल जाएंगे। तो गाइस चलते हैं। ड्रॉप किधर है? तो फ्रेंड्स बुक कंफर्म हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं कैफे, क्योंकि अभी लगभग 1:30 हो रहा है, जो कि मैस में खाने को मिलेगा नहीं, तो इसलिए बाहर जाके खाएंगे। तो चलते हैं। तो गाइस हम लोग कैफ़े में पहुंच गए हैं और अभी चलते हैं, थोड़ा लंच कर लिया जाए और फ़ोन उनको चार्ज किया जाए। चलते हैं गाइस। बाप रे बाप, यहाँ का मेन्यू कार्ड देख रहे कितना मोटा है। देखते हैं क्या ऑर्डर किया जाएगा।
फाइनली हम अपना अपार्टमेंट पहुंच गए हैं। मेरा वो पहले स्विच ऑन कर लेते हैं। आह माय रूम।